जैसे ही रात होगा लाइट जल जाएगा और जैसे ही दिन होगा लाइट बुझ जाएगा। दोस्तों ये लाइट LDR से चलने वाला लाइट है, जैसे ही इस पर लाइट पड़ता है ये तुरंत ही बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको इस पर लाइट मार करके दिखाता हूँ, जैसे ही हम लोग इस पर लाइट मारेंगे बल्ब बंद हो जाएगा, और जैसे ही लाइट बंद करेंगे ऑटोमेटिक ये बल्ब चालू हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग आगे बताएंगे। और ये जो बाहर में जितना दिख रहा है उसको मैंने बल्ब के अंदर भी फिट कर दिया है, और इस तरह से हम लोग बल्ब के अंदर भी उसको डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा बल्ब है जो कि दिन में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और रात में ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। तो चलिए ये जितना बाहर में आपको दिख रहा है उसको मैं अंदर में भी बना करके दिखाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और एक ट्राइक लेंगे हम लोग, और ट्राइक के एक नंबर और तीन नंबर पिन को LDR से जोड़ देंगे। मेन यही LDR होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 150 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लेंगे। मेरे पास 150 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस तो नहीं था, इसीलिए मैं 100 किलो का और एक 22 किलो का, मतलब 122 किलो का रेजिस्टेंस मैं बना करके और ये मैं सीरीज में जोड़ दिया हूँ। और चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं, और इसको हम लोग जोड़ेंगे पिन नंबर 3 पर। इसमें ज़्यादा कनेक्शन नहीं करना है, बस यही एक रेजिस्टेंस जोड़ देना है, बस हम लोग का काम हो गया। अब ये जो लाइट एमिटिंग जो डायोड है, रेजिस्टेंस है LDR, उसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे उसका। ये इधर साइड में जो है उसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर अच्छा से कर देते हैं, क्योंकि जब भी इस पर लाइट पड़े तो इस पर सीधा लाइट पड़े और अच्छा से लाइट पड़े, आगे में इसका लाइट पड़ना चाहिए। तो इसीलिए अब हम इसको ऊपर कर दिए, और अब इसमें हम बल्ब को जोड़ेंगे। तो बल्ब को जोड़ना है दो नंबर जो पिन है LDR का, उस पर एक बल्ब का एक छोर को उस पर जोड़ना है, और दूसरे को रेजिस्टेंस के लास्ट छोर पर, ट्रैक पर डायरेक्ट नहीं देना है बल्ब को। बल्ब को हम लोग इस छोर पे दे देंगे। एसी का इनपुट देने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस के उसी छोर पर, जिस छोर पर बल्ब का एक सिरा को हम लोग अभी तुरंत जोड़े हैं, उसी छोर पर हम एक वायर लेंगे और एक एसी इनपुट के लिए इस पर से जोड़ देंगे, और दूसरा हम लोग जोड़ेंगे एक नंबर पिन से। ट्राइक का एक नंबर पिन जो फर्स्ट वाला पिन था उससे हम लोग ले लेंगे, और हम लोग का एसी इनपुट तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा सर्किट में कुछ नहीं है, सर्किट बस इतना ही बड़ा था, और इसको हम लोग कहीं भी जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग बल्ब के अंदर लगा सकते हैं, चाहे इसको बाहर में भी ऐसे रख के और बल्ब को जोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम लोग होल्डर के अंदर लगाना चाहें तो होल्डर के अंदर भी लगा सकते हैं। और चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे हम लोग इनपुट देते हैं एसी से, और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ये जल गया। अब इस पर टॉर्च से, छोटा सा टॉर्च है मेरे पास, उससे देखते हैं इस पर लाइट दे करके। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, देखिए बंद हो गया, चालू हो गया, बंद हो गया, इधर कर रहे हैं, इस पर टॉर्च मार रहे हैं बंद हो जा रहा है, इधर छोड़ रहे हैं, तो ये मतलब ये कंप्लीट है। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है दोस्तों, और मैंने आपको लाइव आपको जला करके और बुझा करके आपको मैंने दिखाया, तो ये बहुत ही बढ़िया से काम करता है। और ये जो बल्ब में फ्लैक्चुएसन दिख रहा है ये कैमरा का है, नहीं तो ये ऐसे फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है।
बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है दोस्तों। देखिए जैसे ही हम मैं लाइट इस पर जला रहा हूँ ये तुरंत बुझ जा रहा है, और जैसे हटाएंगे तो ये जलने लगेगा। बहुत अच्छा से काम कर रहा है। थोड़ा कैमरा में फ्लैक्चुएट जैसा दिख रहा है लेकिन ये रियल में फ्लैक्चुएशन नहीं कर रहा है, और इसमें कहीं से भी ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मैं स्विच दबा रहा हूँ कहीं से तो ये ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जब भी मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इधर, जैसे ही लाइट पड़ रहा है ये बंद हो जा रहा है। और ये बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि नहीं ऐसे कहीं स्विच से बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसे बना करके आप लोग के सामने दिखाया है और मैं खुद इस पर बिलीव करता हूँ कि ये अच्छा से काम करता है। तो आप लोग इसको बना सकते हैं, और इसका डायग्राम मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे डायग्राम में ये बनाना है। आप लोग को डायग्राम में समझना है। देखिए ये ट्रैक था, ट्रैक का तीन टांग है, तो तीन टांग में एक फर्स्ट और बीच वाला सेकंड है और लास्ट वाला ये थर्ड है। तो लास्ट वाला पे ही हम लोग को रेजिस्टेंस जोड़ना है जो कि रहेगा 150K का। देखिए यहाँ पे एसी इनपुट होगा और बल्ब का भी यहीं पर यहीं से जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बल्ब बना देता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ मैं बल्ब बना करके कि बल्ब का एक जो वायर रहेगा वो इसी पर से जाएगा और दूसरा वायर चला जाएगा दो नंबर पिन पर। दो नंबर पिन पर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एसी के लिए एक वायर निकालेंगे। देखिए यहाँ से एसी के लिए वायर निकाल देते हैं और दूसरा वायर निकाल देंगे फर्स्ट पिन से। ये हो जाएगा मेरा एसी का इनपुट 230 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट एसी। और मेन चीज़ एलडीआर लगाना है। अब तो एलडीआर मेरा लगेगा एक नंबर और तीन नंबर पिन पर, और ये किसी में भी शॉर्ट सटेगा नहीं। ये एक नंबर और तीन नंबर के बीच हम लोग एक एलडीआर लगा देंगे। देखिए तीन नंबर पे मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बना दिया है, आप इसी तरह से एलडीआर यहाँ पे लिख देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये 150K का, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एलईडी बल्ब है, इसी तरह से ये बनेगा। फर्स्ट वाला में देखिए मैंने कहाँ पे एसी इनपुट किया है, एक यहाँ है और दूसरा जो है इस साइड है। देखिए तो एक नंबर पे और एलडीआर को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। बस यही सिंपल सा सर्किट है, बन करके तैयार हो गया है और आप इसको बल्ब के अंदर में भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बल्ब के अंदर में डाल चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं आगे वाले सर्किट इसको इससे में से निकाल दे रहा हूँ मैं। और इसी सर्किट को मैं इस बल्ब के अंदर में डाल दिया हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं इस सर्किट अंदर में है, ट्रांजिस्टर को डाल दिया और अंदर उसी तरह इस बल्ब को एक छेद करके पीछे, और इसमें हमने एलडीआर को बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर इसका एक और सेंसर है, चलिए इसको हम चेक कर देते हैं। यह मेरा बन करके डे नाइट बल्ब तैयार है। ये रात में ऑटोमेटिक जल जाएगा और दिन में ऑटोमेटिक ये बुझ जाएगा। चेक करने के लिए मुझे तरह से ये काम करता है।